रवीना MNS न्यूज लाइव से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। क्या पीएम मोदी सुनेंगे? भुखमरी की कगार पर पहुंचे इस परिवार की मन की बात। इन तीन लोगों की वजह से टूटा तेज प्रताप का घर। पति हुआ आइटम गर्ल पर फिदा, सुपारी देकर पत्नी को हटाया रास्ते से। अब खबरें विस्तार से। क्या पीएम मोदी सुनेंगे भिखमरी के ग्रस्त परिवार की मन की बात? परिवार की हालत ऐसी हो गई कि वो दाने दाने से मोहताज हो गई है। क्या है मामला? मामला उन्नाव के करवन इलाके का है। सुनीता का पति हरी किशोर और बेटी पूनम के साथ जिंदगी बहुत ही खुशहाल जी रही थी, लेकिन उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है जब भारत पेट्रोलियम की टंकी पर काम करने वाले पति हरी किशोर को जनवरी 2018 में पूरा वेतन जाने की मांग पर पेट्रोल पंप मालिक ने नौकरी से ही निकाल दिया गया। तीन लोगों की वजह से टूटा तेज प्रताप का और ऐश्वर्या का घर। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की पत्नी से तलाक लेने के फैसले के हड़कंप मचा हुआ है। यह खबर से दोनों परिवार में ही बेचैनी बढ़ गई है। इस बीच तेज प्रताप ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि वह घुट घुट कर अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहेगी। तेज प्रताप के करीबियों की माने तो राबड़ी आवास में ऐसे तीन लोग हैं जो जिन्होंने तेज और ऐश्वर्या के बीच रिश्ते खराब किए हैं। तेज प्रताप के करीबी दोस्त का कहना है कि तीन लोगों हैं जो तेज और ऐश्वर्या के रिश्तों में दरार पैदा किए हैं। उनका नाम भी सामने में आया गया है, जैसे कि नागमणि, ओम प्रकाश, विपिन। ये तीन जो शख्स हैं जिनकी वजह से तेज प्रताप और ऐश्वर्या का रिश्ता में दरार आ चुके हैं। हीरालाल अलावा जय आदिवासी युवा संगठन के पूर्व संरक्षण को कांग्रेस ने दिया मनावर विधानसभा से डील के तहत टिकट, जिससे नाराज होकर स्थानीय कांग्रेस उम्मीदवार की मांग करते हुए हीरालाल बाहरी बताकर कांग्रेस कार्यकर्ता ने पुतला जलाया। हीरालाल अलावा जय आदिवासी युवा संगठन के पूर्व संरक्षण को कांग्रेस ने दिया मनावर विधानसभा से डील तहत टिकट, जिसे नाराज होकर स्थानीय कांग्रेस उम्मीदवार की मांग करते हुए हीरालाल को भारी बताकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया। और इसके साथ ही जय आदिवासी युवा संगठन ने भी हीरालाल को धोखेबाज बताकर संरक्षक पद से हटाया और चुनाव में पराजित कराने की बात कही। ब्यूरो हेड मयंक साधु की खास खबर MNS न्यूज के साथ। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।